हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 11वीं का विषय भौतिक शास्त्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में फिजिक्स भी बोलते हैं, जो आपको 8 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है वो आपका फिजिक्स का होने वाला है। तो ये फिजिक्स का पेपर जो 8 अप्रैल को होने वाला है, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण सॉल्यूशन सहित बताया गया है, बाकायदा आंसर ही बताए हैं, ताकि आप लोग कहीं पर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, इसमें आप लोग सामने देखते हैं स्थान सही, विकल्प सत असत, सही जोड़ियाँ, संपूर्ण सॉल्यूशन है। चलिए, इस वीडियो को आप लोग पूरा कंटिन्यू देखना, पूरा कंप्लीट देखना है, फिर आप लोग कहने लगते हो सर आपने यह नहीं बताया, सर वो नहीं बताया, वो फंसा नहीं, ऐसा वैसा। तो आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखते नहीं और समझते नहीं हो। ठीक, आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को स्किप या कर देते हो। ठीक, चलो ऐसा नहीं करना। तो आप लोग देख सकते हो इंग्लिश मीडियम एवं हिंदी मीडियम दोनों वाले कल मतलब मीडियम वाले बच्चों को है। ठीक, चलिए, तो इस प्रकार से आप लोग सामने सर्वप्रथम रहेगा सही विकल्प, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो ये सही विकल्प है, क्या है सही विकल्प? पहला लिखा आप लोग सामने सही विकल्प, सही विकल्प चुनकर लिखे। ठीक, पहला लिखा है वायु में ध्वनि की चाल पर किस भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बच्चों यहीं पर कन्फ्यूज नहीं होना आपको, जैसे इसमें पूछा है वायु में काम है, वायु में ध्वनि की चाल पर किस भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो नहीं पूछा है यहाँ पर, ना कि नहीं पूछा तो नहीं हो जाएगा, इसमें दाब यानी दाब का नहीं पड़ता, इसमें ऑप्शन आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा, दाब। ऑप्शन लिखा है कैलोरी मापी बनाए जाते हैं, जो कैलोरी मापी होती है बनाए जाते हैं, काय के बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं तांबे के, यानी कि आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। वो बच्चों नेक्स्ट लिखा आप सामने सा ऑप्शन, जिसमें लिखा है सा वाली में लिखा है निम्न, यानी निम्न में कौन सबसे अधिक सयान है, यानी कि जो आप लोग सामने चार ऑब्जेक्ट दिए गए हैं इनमें से कौन सा सयान है, मतलब कि तो अधिक सयान कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा आपका शहद, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। वो नेक्स्ट लिखा आप लोग सामने द ऑप्शन, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए लेकिन उसका द्रव्यमान वहीं रहे तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, यानी कैसा होगा, घटेगा या बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा, कुछ भी संभव नहीं है। तो बताइए चौथे वाले में क्या आदमी द वाले ऑप्शन का क्या सही, अगर आपको पता तो कमेंट करें, जिनको नहीं पता तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा बढ़ेगा। ठीक, ई ऑप्शन में लिखा है गोले का द्रव्यमान केंद्र होता है, जो गोला होता है उसका द्रव्यमान केंद्र कितना होता है, तो उसके ज्यामिति केंद्र पर होते हैं, कहाँ पर होता है तो उसके ज्यामिति केंद्र पर होता है, इस प्रकार से आप लोग सामने समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। और नेक्स्ट दिया है फाफल वाला, धनुष से छोड़े गए तीर में होती है, तो मतलब धनुष से जो हम लोग जब धनुष चलाते हैं तो तीर छोड़ते हैं, तो उसमें कौन सी मतलब ऊर्जा होती है, यानी स्थित ऊर्जा होती है या घर्षण वाली या गतिज ऊर्जा, या कौन सा ऊर्जा होती है, तो इसमें बच्चों गतिज ऊर्जा होती है अपनी, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए जो ऑप्शन पूछा गया ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, जो ऊर्जा होती है उसका गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा आपकी यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि चौथा वाला आपका सही हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग सामने सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाता है बच्चों आप लोग सामने, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों कर लेंगे। चलिए फिर हम देखते हैं इसके आगे वाला, हाँ तो इसके आगे दे दिया जाता है बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलिए हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं आप लोग सामने। तो पहला लगा आप लोग सामने ताप बढ़ाने पर पदार्थ की प्रतिष्ठा है, तो क्या होती है, तो घटती है, आप लोग क्या लिखेंगे घटती है। ठीक, ऑप्शन लिखा है प्रोटॉन का संवेग होता है, जो प्रोटॉन होता है तो उसका संवेग क्या होता है, तो आप लोग एच बटे फाई इस प्रकार से बना देंगे। ठीक, चिन्ह हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट का आप लोग सामने सा ऑप्शन है, जिसके बाद चार्ल्स का नियम पर लागू होता है, जो चार्ल्स का नियम होता है तो वो किस पर लागू होता है, तो वो होता है समदाबी प्रकंप, यानी समदाबी प्रक्रम। ठीक, इस पर लागू होता है क्या का नियम, चार्ल्स का नियम। ठीक, फिर द ऑप्शन सरल लोकल का आवर्तकाल पर निर्भर नहीं करता, जो सरल लोकल का आवर्तकाल होता है वो निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर नहीं करता, तो वो नहीं करता है द्रव्यमान पर, का है द्रव्यमान पर। ठीक बच्चों इस प्रकार से चलिए बढ़ते नेक्स्ट। वो नेक्स्ट दिया गया है ई वाला ऑप्शन, जड़त एक राशि है, तो जड़त एक कैसी राशि है, तो ये अदस राशि है, कैसी अदस। ठीक, चलिए फफल वाणी लिखा है एक किलो वाट घंटा खालिस्तान जूल होता है, तो इसमें आप लोग लिखोगे 3.6 × 10^6, तो ए भर देंगे आप लोग फा वाले में। फिर जाजलेबी वाला, जिसमें लगा है वृत्तीय ब्लैक का द्रव्यमान केंद्र होता है, तो कौन सा केंद्र होता है, तो इसमें लोगों आप लोग ज्यामितीय केंद्र। ठीक, ए हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार से बच्चों आप लोग सामने मैंने पूरे रिक्त स्थान का आप लिखा दिए,
चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट हुए। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों सही जोड़ियाँ, क्या दिए हैं सही जोड़ियाँ। बच्चों सही जोड़ियाँ शो करने से पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, बच्चों जिस प्रकार से मैंने इंग्लिश का पेपर समझाया था, इस प्रकार से मैंने हिंदी का समझाया था, तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई, अच्छे ठीक ठाक उनके पेपर गए हैं। अगर आप लोग भी इसी प्रकार से संपूर्ण पेपर अच्छे से देना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने से ही फायदा होगा बच्चों कि जो आने वाले वीडियो भी मिलते रहेंगे, इसी प्रकार से समझाते रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे, साथ ही आपको ये PDF भी मैं देने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए हम लोग लेते हैं अब रिक्त स्थान, ठीक। जैसे पहला अगला ऑप्शन और बल द्रव्यमान, तो बल द्रव्यमान को आप लोग मिलाओगे किससे मिलाओगे, तो इसका मिलाओगे आप लोग किससे, मैं बता देता हूँ हाल में। तो बच्चों मैं आप लोग साथ गलत नहीं करना चाहता हूँ, ना मैं गलत आपको आंसर बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं गलत आंसर बताऊंगा तो आप लोग साथ गलत होगा, तो मैं चाहता हूँ बच्चों आप लोग सही में सही आंसर प्राप्त कर सकें, क्योंकि मैंने सही जोड़ियों के मैंने अभी हाल में आंसर नहीं ढूंढे हैं, ना मैंने मिला पाए, तो इन सभी इन सही जोड़ियों के आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, या मैं ढूंढ के मैं PDF के माध्यम से भी दे दूंगा। तो पढ़ते हम नेक्स्ट। चलिए तो अभी हाल में आप लोग सही जोड़ी छोड़ दीजिए, ठीक। चलिए जब तक हम लोग क्या एक शब्द के वाक्य या एक शब्द या एक वाक्य आंसर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक बच्चों। चलिए जैसे पहला लिखा आप लोग सामने ऑप्शन में लिखा था, एक पिंड अचल यानी एक पिंड अचल चाल से गति कर रहा है, उसकी गति तुरंत कब होगी, तो उसकी गति तुरंत कब है? आप लिखोगे जब वह, अब इस प्रकार से लिखोगे जब वह वक्र वक्र अथवा वृत्तीय वृत्तीय पथ पर गति करे, ठीक ये हो जाएगा इस प्रकार से, जब वह वक्र अथवा वृत्तीय पथ पर गति करे तब होगी, ठीक। फिर दूसरा ऑप्शन रखा है, एक घन का द्रव्यमान कहाँ पर संकेंद्रित होता है, तो आप लोग हुए उसके उसके ज्यामितीय केंद्र पर, ठीक ये हो जाएगा। अगर अच्छे सुन, चलिए सौ ऑप्शन लगाए, गुत्ती विभाव का माता एवं विमीय सूत्र लिखिए, तो आप लोग लिखोगे जूल किलोग्राम, फिर लोगों क्वेश्चन में L2T ना, इस प्रकार से ये आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए विद्यार्थियों चलिए मैं PDF डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ। देखिए ये मेरा मोबाइल है, तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल में यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन करके आपको क्या सर्च करना है, MP बोर्ड क्लास 11, जैसे आपको फिजिक्स करना है तो फिजिक्स सर्च करना, जैसे अगर आपको पशुपालन का करना तो यहाँ पशुपालन लिख देना, अगर अर्थशास्त्र करना तो अर्थशास्त्र लिख देना। अभी मैं फिजिक्स करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो MP बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स पेपर 2023, ठीक है। जैसे ही मैंने लिखा फिजिक्स का यहाँ पर सर्च करूंगा, तो यहाँ पर देखिएगा मैं नीचे आऊंगा, नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे आपको देखिएगा बहुत एक साफ है, देखिए आपको क्या देखना है, studynotespg.com ही देखना है आपको, ठीक है। इसमें PG का लोगो लगा होगा, पीले कलर का studynotespg.com लिखा होगा और यहाँ पर लिखा भी है सेट ए, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिएगा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एकदम असली पेपर, देखिए फिजिक्स का डला हुआ है, ठीक है, असली पेपर है और फिजिक्स का ही डला हुआ है। और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन डला हुआ है, जैसे आप सॉल्यूशन के बटन पे दबाएंगे तो यहाँ से सॉल्यूशन डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए बहुत से विद्यार्थियों का क्वेश्चन होगा कि अदर जो जैसे पशुपालन हो गया या फिर फिजिक्स के और जो सेट है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो होम पे दबाना, होम पे दबाने के बाद MP बोर्ड क्लास 9th 11th पे दबाना, फिर यहाँ पे देखना वायरल क्वेश्चन पेपर की PDF हल करने के लिए यहाँ पे देखिए, तो आप देखिए कक्षा 11वीं के हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, जैसे कि अर्थशास्त्र दिया गया तो सेट ए का अर्थशास्त्र का सॉल्यूशन है, भौतिक विज्ञान का सेट ए और बी का है, तो आपको अपडेट होते जाएंगे यहीं पे, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहीं पे आपको यहाँ पे पशुपालन का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, अगला आप लोग सामने सा हो गया अपना दवाला, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण की अपेक्षा कितना होता है, जो चंद्रमा होता है तो आप लोग 1/6 गुना, ठीक। चलिए अगला लगा आप लोग सामने ई वाला, एक परमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है, तो 3 होती है, कितनी होती है 3 होती है। चलिए फिर लगा सेकंड लोलक का आवर्त काल कितना होता है, जो सेकंड लोलक होता है उसका आवर्त काल कितना होता है, 2 सेकंड, क्या लोगों का लो 2 सेकंड, ठीक। चलिए फिर हम लोगते हैं जहाज वाला, सरल लोकल का अधिकतम आवर्त काल कितना होता है, अब जो था जो लोकल आवर्त, अब जो हो गया अपना सरल आवा थी, नहीं सरल आवा थी जो सेकंड लोकल है सरल, तो सरल आवर का होगा आपका 84.6 मिनट लिखा। इस प्रकार से बच्चों आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य आंसर को कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग बच्चों प्रश्न उत्तर की ओर, तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग सामने पूरे प्रश्न के उत्तर भी हमारे पास हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर मैं वीडियो के दूसरी वीडियो लाऊंगा उसमें दे दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा तो काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए दूसरी वीडियो लाऊंगा। अगर लोग इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, और साथ ही अगर आप लोग इसकी संपूर्ण आंसर के डाउनलोड करना चाहते हो तो वो मैंने studynotespg पे मैंने वो वेबसाइट बताई है, तो वो बता दिया गया है कि कक्षा 11 वाले किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, तो आप लोग उसी प्रकार से गूगल पर जाकर studynotespg से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।